वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं कंसेप्ट सब्लिमेशन की एक और नई वीडियो। तो गाइस सबसे पहले थैंक यू थम्स अप। यूट्यूब सीरीज बहुत अच्छी जा रही है, आप लोग वीडियोस को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, रिप्लाइज भी आपके आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रही हैं, और उसी आपके कमेंट्स को नजर में रखते हुए एक नई वीडियो आज हम लोग शूट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास में बैजेस की एक नई रेंज है। आप ही लोगों की काफी सारी क्वेरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि सर बैजेस की रेंज बढ़ाओ, बैजेस के अंदर और क्या क्या नया आ रहा है वो सब लेकर के आओ। तो अलग अलग शेप्स के अंदर, अलग अलग साइजेस के अंदर आज बैजेस हमारे पास में। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आइटम्स हमारे पास में ज्यादा है, तो सारे कवर करने हैं कि क्या चीजें हैं किस तरीके से। मैं हल्का सा मैं आपको बताऊं क्या क्या आज हमारे पास में होने वाला है। दो स्टैंडर्ड बैजेस थे हमारे, एक ये 58mm वाला हमारा चल रहा था पहले से, और एक ये 44mm का साइज का बैज हमारा पहले से चल रहा था जो स्टैंडर्ड काम कर रहे थे। उसके अलावा जो आज नया हमारे पास में है वो है 32mm का बैज है, ये 32 32mm बोलते थे, ये सर्कल शेप में है, ये 75mm में आ गया, बड़ा बड़ा साइज हो गया इससे। और फिर ये हमारा स्क्वायर शेप में बैज है 55mm का, फिर एक ये आपका रेक्टेंगल शेप में बैज है 68x26mm का। तो ये बैजेस की रेंज आज हमारे पास में, और दूसरा फिर रोजेट बैजेस कहते हैं इन्हें। तो आज इनका भी सबका प्रिंटिंग प्रोसेसर किस तरीके से है, किस तरीके से आपको असेंबल करना है, किस पोजीशन में आपको मिलेगा, आपको अलाइन किस तरीके से करना है, वो सारी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो करते हैं शुरू, एक बार मैं इसे आपको देता हूँ पीछे की तरफ और बाकी एक बार दिखाता हूँ आज उसके अलावा मशीनें किस किस तरह की, कैसे कैसे हैं। सबसे पहले ये रखी हुई है आपके सामने कटर डाई रखी हुई है जिससे हम पेपर को कटिंग करेंगे, ये फोम के अंदर या फिर ये वाले फोम के अंदर इस तरीके से। पेपर के ऊपर सिंपल आपको प्रिंट आउट निकालना है इंकजेट इंक से। आपको देखो, आपको नॉलेज तो है ऑलरेडी कि किस तरीके से आप काम करते हैं, लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो नॉर्मल पेपर के ऊपर, कोटेड पेपर के ऊपर, कोई भी ग्लॉसी पेपर के ऊपर आप इंकजेट इंक से नॉर्मल इंक इसके अंदर यूज आपको करनी है। प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाला हुआ मैंने सेम जैसे इस तरीके निकाला हुआ मैंने। साइजेस वगैरह सब हम देंगे आपको कि क्या साइज में आपको प्रिंट आउट निकालना है। सारे साइजेस हमारे पास में बने हुए होते हैं, इसके अंदर दो तरीके से साइज बनते हैं, वो सब वीडियो के अंदर मतलब साइज के अंदर कवर हो जाएगा जब आप साइज आप लोगे, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं। ये हमारे पास में कटर डाई है जिससे हम पेपर को कटिंग करेंगे ये वाली फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसमें सारी साइजेस हैं हमारे पास में, 75mm, 58mm, ये 32mm है आपका, ये 25mm और ये 55mm। यहाँ पे शायद 44 नहीं रखा है क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उस वजह से इसे नहीं रख पाए। रेगुलर भी है, आप लोग जानते हैं उसे कि किस तरह का कटर वो होता है, ठीक है। उसके बाद हम मशीन्स की बात करें, मशीन्स देखो कुछ इस तरीके से हैं। मशीन्स का मैं आपको दिखाऊं, ये आपका स्क्वायर शेप में है 55mm। मैं अभी मशीन को यूज करके भी आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको पंच करना है। हल्का सा अगर मैं इसे साइड करूं, ठीक है, फर्स्ट आप इधर आपको मेटल रखोगे, ऊपर से अपना पेपर रखोगे, अभी सारे एक बार करके दिखाऊंगा मैं आपको। मशीन का एक बार हल्का सा इंट्रो दे दूं, ये आपका 55mm का स्क्वायर वाला मशीन है, ये वाला आपका 32mm का मशीन है, ये वाला आपका 58mm की डाई लगी हुई है, 44 की डाई ये वाली है, 75mm की डाई ये वाली है। और साथ ही में देखो ये कीचेन से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको पंच कर रहे हैं। ये कीचेन से, ये भी इसी मशीन से बने हैं, ये बोथ साइड है और इसमें कुछ सिंगल साइड भी है, जैसे ये सिंगल साइड है तो ये आइटम भी इसके अंदर है, बैज रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार पंचिंग करना शुरू करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल वाले शेप का बैज है, अभी पंच करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का बैज होने वाला है। अभी मैं आपको प्लेट के ऊपर दिखाया था इस तरह का जो बैज है ये वाला 68x26mm वाला, इसका मशीन ये वाला है। तो एक बार पंचिंग प्रोसेस एक बार शुरू करते हैं। मैं एक बार मशीन को आगे कर लेता हूँ, फिर एक बार आपको दिखाता हूँ स्क्वायर शेप का। तो ये प्रिंट आउट मैंने निकाला हुआ है, ऑलरेडी मैंने काट के भी रखा हुआ है, लेकिन ये है कि आपकी नॉलेज के लिए, तो ये ऑलरेडी मैंने ना काट के रखा हुआ है, बस ये कि आपकी नॉलेज के लिए कटिंग किस तरीके से करनी है वो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। तो 55mm वाला कटर मैं उठाऊंगा सिंपल, और ये आपने इसे इंसर्ट करा, आपने कटिंग कर लिया। सारे साइजेस आपको मिलेंगे, क्या साइज में आपको प्रिंट आउट निकालना है, क्या इसका बेस साइज है, क्या डिजाइनिंग साइज है, वो सारे साइजेस आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड होंगे अगर आप ये बैजेस वगैरह या मशीन्स वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो, ठीक है। ओह सॉरी, ये निकाल दिया है, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट हमारे हाथ में, अब बैजेस को ले लेते हैं। बैजेस में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हमारे पास में है। ये बैक साइड का उसका प्लास्टिक है, आज एक्चुअली मशीन्स ज़्यादा है, टेबल थोड़ी छोटी पड़ रही आज हमारी, बाकी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लेगा, हम कवर कर लेंगे आराम से। तो ये इसका बैक साइड वाला प्लास्टिक है, ठीक है, ये निकाल लेता हूँ मैं। ये साथ में इसका माइलर है, लेमिनेशन भी इसे बोलते हैं, लेमिनेशन फिल्म इसे बोलते हैं,
ठीक है। साथ ही में इसका मेटल हमारे पास में रखा हुआ है, ये इसका मेटल रखा हुआ है, मेटल भी हम यहाँ पे दो निकाल लेते हैं, एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मशीन को हम ले लेते हैं सामने की तरफ। फाइन, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सेम वही है जैसा आप लास्ट टाइम सेम सिमिलर पुराने पेजेस आप बना रहे थे 4458 वाले। सिंपल आपने सबसे पहले मेटल वाला पार्ट रखा, उसके बाद में जो हमने ये कटिंग करा है डिज़ाइन ये आपने रखा, इसके ऊपर जो साथ में लेमिनेशन फिल्म है या माइलर इसे भी बोलते हैं वो आपने रखा। ठीक है, मशीन को टर्न किया, फर्स्ट पंच आपने किया और साथ में आपका जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक में देखो दो चीज़ें हैं कि किधर से आपको लगाना है, कैसे आप जज करोगे। जो वायर वाला एरिया है वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये एरिया आपका पंच होना है और ये हमने मशीन को घुमाया और वापस से एक बार पंच कर दिया, ये बैज आपका बन गया पूरा फिनिशिंग के साथ में, ये पूरा बैज आपका रेडी हो गया है। एक बैज और बना देता हूँ मैं आपको, हल्का सा आइडिया फिर से आप देख लीजिए। मेटल आपने लगाना है पहले, फिर आपको ये प्रिंटआउट लगाना है, जो आपने प्रिंटआउट निकाला हुआ है इंकजेट इंक के साथ नॉर्मल पेपर के ऊपर हमने निकाला हुआ है, कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं है, बस ये कि कोटेड पेपर होगा तो ग्लॉसीनेस थोड़ा सा अच्छा आएगा उसके ऊपर। आपने ऊपर माइलर लगाया, मशीन आपने टर्न किया, ये आपने फर्स्ट पंच करा और अगेन वही प्लास्टिक जो आपको किस तरह से लगानी है, वायर वाला एरिया ऊपर की तरफ रहेगा सेम इस तरीके से। ठीक है, ये आपने सेकंड पंच कर दिया, ये आपका बैज आपका ये रेडी हो गया। फाइन, अभी हम बात करते हैं दूसरे साइज के बैजेस की, दूसरे साइज के बैजेस आपको किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, मशीन को हम इसको साइड रखते हैं और ना ये वाला मशीन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में पहले मैं मेटल निकाल लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कटिंग कर रखी है, ये इस तरीके से पेपर मैंने ऑलरेडी कटिंग किया हुआ है। तो सिंपल हमने फर्स्ट फॉर्मेट है हमारा, मेटल हमने लिया जो ये ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक के अंदर ऊपर फिक्स किया, बिल्कुल स्नग फिट आएगा, और आपने ये इसके ऊपर लगाया पेपर जो आपने कटिंग किया हुआ है। साथ में इसका माइलर भी हमें चाहिए, माइलर इसका ये लेमिनेशन फिल्म जो है ये इधर रखी हुई है। ठीक है, आपने लिया ये लगाया इसके ऊपर, ये आपने फर्स्ट पंच करा, अगेन वही आपको कि ये मेटल प्लास्टिक वाला पार्ट किधर से रखना है, आपका वायर वाला एरिया ऊपर आएगा इस तरीके से। आपने फिर घुमाया और आपने सेकंड पंच कर दिया, ये आपका पेज रेडी हो गया। फाइन, बिल्कुल अनकट, बिल्कुल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तक बस इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल जो है जैसा है बिल्कुल आपके सामने है, किस तरीके से आपको पंच करना है, कोई भी एडिटिंग इसके अंदर नहीं है वीडियो के अंदर। सेम आपने ये लगाया, ये शायद मुड़ा हुआ है तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, बैच को कर रहे हैं, ये हमने लगाया इसके ऊपर और अगेन वही सेम लेमिनेशन हमारी, फर्स्ट पंच करा, अगेन प्लास्टिक वाला एरिया में वायर वाला एरिया ऊपर आएगा, आपने घुमाया मशीन और आपने प्रेस कर दिया, ये पेज आपका रेडी हो गया। पेपर आपको काटना है डाई से, उसके बाद में आपको प्लास्टिक लगाना है, मेटल लगाना है और मशीन के अंदर रख के पंच कर देना है। फाइन, अभी हम ये वाला भी हमने समझ लिया है। ठीक है, अब आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर, जो है हमारे पास में 32mm के बैजेस हैं और 32mm के हमारे पास की चेन्स हैं, ये डबल साइड की चेन है, ये सिंगल साइड की चेन, ये किस तरीके से आपको अलाइन करने हैं, असेंबल करने हैं या किस फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं, आप किस तरीके से उसे बनाओगे, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अभी हम। तो ये मशीन में निकाल लेता हूँ 32mm वाली और इन्हें बेजिस को मैं कर देता हूँ एक बार साइड। तो मशीन हमने लगा दी है, अभी प्रिंटआउट्स मैंने कुछ निकाले हुए हैं, सेम वही डिज़ाइन मैंने बना के रखा हुआ था, तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, तो वही मैंने प्रिंटआउट निकाल दिया, तो उसी से आपको आइडिया लग जाए, बस आपको आइडिया देना है किस तरीके से करना है। ठीक है, ये निकाला हुआ है, चलो कुछ दूसरे डिज़ाइन भी ले लेते हैं ये हमारे पास में। ठीक है, अब अगेन पेपर हमारे पास में है, अब हमें डिज़ाइन हमने निकाला हुआ है, अब हमें कटिंग करना है, 32mm वाला कटर हम उठा लेंगे, ये हमने कटर ले लिया। ठीक है, और अगेन वही इसके अंदर लगाया हमने और कटिंग करना है। तो ये पेपर लगा, हम कटिंग कर लेते हैं एक बार ना, चार पांच बैज क्योंकि इसके अंदर बना के दिखाने हैं, दो बैज आपको बना के मैं दिखाने वाला हूँ और दो कीचेन बना के मैं दिखाने वाला हूँ किस तरीके से बनाना है आपको, सिंगल साइड
और डबल साइड, दो तरह का किचन है। ठीक है, ये वाला ऊपर करके निकाल लेते हैं, दोबारा ही डाल लेते हैं। तो ये हमने सेट कर लिया है, तो मैं अभी निकालता हूँ, पहले किचन निकालता हूँ। ये आपका बोथ साइड है, ठीक है, एक बोथ साइड निकाल लेते हैं और एक निकाल लेते हैं सिंगल साइड। आज एक्चुअली टेबल पर सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये मेटल निकालते हैं, ये बैक साइड निकालते हैं, ये आपका सिंगल वाला हो गया। सारी मैंने चीज़ तैयार कर ली है, एक्चुअली रश टेबल के ऊपर ज़्यादा है तो बस इसलिए चीज़ों को ढूंढने में टाइम लग रहा है। ये सिंगल साइड किचन है, ये डबल साइड किचन है, और ये मेटल है जो सेम लगेगा दोनों में, कॉमन लगेगा, और ये पीछे का बैक है ये भी कॉमन लगेगा, और ये माइलर है लेमिनेशन ये भी कॉमन लगेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। पहले मेटल को बाहर निकाल लेते हैं, दो तीन चार निकाल लेते हैं एक साथ। ठीक है, फर्स्ट हमने मेटल लगाया अपना, उसके बाद अपना डिज़ाइन लगाया, डिज़ाइन के बाद हमारे पास जो लेमिनेशन है, लेमिनेशन लगाया हमने। ठीक है, ये लेमिनेशन लगा दी हमने, एक मशीन को मूव करा, पंच करा, सेकंड टाइम में हमने लगाया अपना इसका बैग जो है। बैग में आपको किधर रखना है, ये वाला एरिया आपका नीचे रहेगा, ये वाला जो है, ये वाला एरिया आपका ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो सेम आपको इस तरीके से डालना है। देख लीजिए, जो ये गैप वाला एरिया है ये आपका ऊपर रहेगा, जो प्लेन एरिया है ये आपका ऊपर की तरफ रहेगा, जिधर छोटा होल आपको दिख रहा है ये आपका ऊपर की तरफ रहेगा, आई मीन इस तरीके से रहेगा। आप देखो एक बार, ठीक है, इस तरीके से आपका ये पीस रहेगा। आपने ये मूव करा और ये आपने पंच कर दिया। ठीक है, ये एक रेडी हो गया है, मैं दो तीन एक बार रेडी कर लेता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोसेस करना है। आप देखते रहिए एक बार कि किस तरीके से रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा समझ लीजिए, शायद कन्फ्यूजन हो गया, तो ये किधर की तरफ रहने वाला है आप खुद एक बार देख लीजिए, इस तरीके से इधर से ये ऐसा है, तो आपको ये इस तरीके से डालना है, इस तरीके से आपको अलाइन करना है डाई के अंदर। फाइन, ये आपने पंच करा, उसके बाद मैं फिर से एक मेटल इधर लगा लेता हूँ, एक ये लगाया मैंने, एक लेमिनेशन उठाई इधर लगाई, फिर से एक बैक लिया, आप अगेन देख लो इस तरीके से जाएगा। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा अगर आप गलत भी लगाओगे, गलत भी अगर आप लगाते हो, होगा कुछ नहीं, एक बैज आपका जो है वेस्ट हो जाएगा। चलो मैं वेस्ट कर नहीं करता हूँ, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, एक लास्ट और बनाते हैं। ठीक है, ये वाला बनाते हैं। अब इसमें हमने क्या करा, अभी तक तो मेटल की प्लेट लगा रहे थे, अभी हम लगा लेते हैं एक आपका ये प्लास्टिक वाला बैच जो 32 में आपका बैच बन जाएगा। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया था जो वायर वाला एरिया है ऊपर की तरफ रहेगा, सेम इस तरीके से आप डालोगे इसे। ठीक है, आपने मूव करा और पंच कर दिया। ठीक है, ये तो आपका रेडी है। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमने भी ये पंच करें, इनका क्या एप्लीकेशन है, क्या स्कोप है, वो मैं आपको बता दूँ। ये किचन हमारा बोथ साइड है, तो मैं कटर की हेल्प लेता हूँ, कटर की हेल्प लेता हूँ, पंच करा, ये आपने इधर लगा दिया इधर की तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ से भी फिर आपने ठीक है, इधर हम सुजुकी लगाया है, इधर भी हम सुजुकी लगा देते हैं इस पर, यो क्या फाइन। और एक हमारा सिंगल साइड, सिंगल साइड भी सेम इसी तरीके से एप्लीकेशन है। देखो मैं आपको बता दूँ ना, टेबल पे स्पेस थोड़ा सा कम था, वरना पेन वाला भी है मेरे पास में आइटम, पेन वाला मैं अभी आपको बना के नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, पेन वाला भी सेम इसी तरीके से है, पेन वाले के अंदर ये हमारा 25 mm जो मैं आपको कटर बता रहा था 25 mm का रखा हुआ है। इसके लिए पेपर आप उस मशीन से काटोगे, कटर से काटोगे, सेम इसी तरह का आपको डाई मिलेगा 25 mm का। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर देखो माइलर भी दिया हुआ है, साथ में आपका बैग भी दिया हुआ है, और साथ में आपको पेपर उस मशीन से कट जाएगा। तो करना क्या है, बेसिकली जैसा हमने सेम इसके साथ में करा, ये हमें एरिया इधर लगाना है इस वाले सांचे के ऊपर जो आपको 25 mm का डाई होगा। कि 32 mm है, टेबल के ऊपर स्पेस कम था तो मैं ये वाला कवर नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा। तो सेम उसी तरीके से हमने जैसे इसके ऊपर से रिलीज छुटा करके ये वाला पीस पकड़ लेते हैं, ये रिलीज इधर लगा करके इसे हम इस तरीके से ऐसे लगा देंगे जो आपको छोटा वाला बैच होने वाला है, तो ये बिल्कुल इसके अंदर स्नग फिट आएगा।
तो मेरे पास में अगर अभी मैं डाई यहाँ पे रख पाता तो मैं वो करके बता देता कि किस तरीके से करना है। तो सेम आपको जैसे टेप इसके ऊपर लगा हुआ था, इसके ऊपर टेप नहीं लगा हुआ तो आप कोई भी डबल साइड टेप का यूज़ कर लेंगे। मेरे पास में जैसे ये डबल साइड टेप रखी हुई है, मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। अपना छोटा सा पीस, छोटा सा टुकड़ा काट करके, छोटा सा पीस काट के इसके ऊपर लगाएंगे और उसके ऊपर से अपना बैज को आप इसे फिक्स कर देंगे पंच करने के बाद। जब इसमें मशीन में पंच करेंगे इस तरह का बन करके आपका निकलेगा, फिर आप इसके अंदर आप उसे चिपका देंगे। ठीक है, मैं इसे इसलिए से कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये टेबल के ऊपर स्पेस थोड़ा सा कम है। अभी एक ये चीज़ हो गया, अभी इसके अंदर हमने किचन लगा दिया। अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर रिंग लगाने का, रिंग आपको किस तरीके से लगाना है। ये रिंग का पैकेट भी आपको साथ में मिलेगा अगर आप बेजिस बाय कर रहे हैं या किचन बाय कर रहे हैं। इसे बोलते हैं सिंगल साइड बटन किचन, इस वाले को बोलते हैं सिंगल साइड बटन किचन, इसे बोलते हैं डबल साइड बटन किचन। बाकी अभी आपको कैटलॉग वगैरह के अंदर प्राइजेस के अंदर मेंशन कर दिया है तो आप इजीली उधर से आप देख करके ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये आपने लगाया एक आपने इधर और रिंग हमने निकाला था, रिंग आपने के लिया एक रिंग लगाया आपने इधर और सिंपली आपने इसे प्रेस कर दिया। जो भी आपके पास में टूल है आप उस टूल से आप इसे प्रेस कर देंगे। ये हमने कर दिया, ये रेडी हो गया हमारा किचन। सेम इसी तरीके से इसका भी करना है, दूसरा किचन हमारा ये रहा। ये कई वाला रेडी हो गया। तो थोड़ा सा एक बार क्लीन अप कर लेता हूँ। अभी आपको रोजेट बैजेस के ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं तो 58 एम की डाई मैं एक बार निकाल लेता हूँ बाहर और ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से क्लीन अप कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बन जाए और फिर अच्छे से हम लोग साथ में बात कर पाएँ। तो इसके ये हैं रोजेट बैजेस, ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये साथ में आपको मिलेगा, साथ में आपको ये मिलेगा डबल साइड टेप, मैंने पहले से लगा के रखी है ताकि आपके सामने प्रॉब्लम ना आए। तो डबल साइड टेप मैंने इसके ऊपर लगा के रखी हुई है, डबल साइड टेप से आपको ये होल्ड करना है। ये मैं निकाल लेता हूँ, तीनों में एक एक आपको करके दिखाता हूँ अगर प्रिंटआउट मेरे पास में पूरे हैं तो। ठीक है, तीन मैंने निकाल लिए और साथ ही में हमें माइलर की ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये रखा माइलर हमारे पास है 58 एम एम का, ये हम निकाल लेते हैं। तीन ही मैंने निकाले हैं और कटिंग के लिए मेरे पास में ये रखा है, मैं कटिंग इनकी कर लेता हूँ 15 में। कटिंग का आपने प्रोसेस देखा ही हुआ है कटिंग किस तरीके से करनी है, सिंपल कटर आपके पास में है 58 एम एम का और आपको उसके अंदर कटिंग करनी है। ये कटर मैं उठा लेता हूँ, ठीक है रखा और मैंने डाला इसके अंदर पेपर। ओह माय गॉड, ये आपने कटिंग कर दिया और दूसरा देखिए थर्ड। ठीक है, ये हमारा छोटा साइज का निकाला हुआ है, इसे हम कटिंग नहीं करते हैं, बस इससे में हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका मेटल हमने नहीं निकाला है, मेटल हमारे पास ये बहुत अच्छे बड़ा है, क्या बड़ा वाला। ठीक है, तो जो इसके रोजेट बैजेस के अंदर आपको सेट जो मिलेगा मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ आपको साथ में मिलेंगी। साथ में एक आपको रोजेट बैज मिलेगा, ये साथ में आपको ये मेटल मिलेगा, ये लेमिनेशन फिल्म मिलेगा, साथ में प्लास्टिक वाला बैग मिलेगा विदाउट पिन क्योंकि पिन ऑलरेडी इसके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, बस आपको इसके अंदर आपको डबल साइड टेप लगाना है, साथ में आपको अपना पेपर लगाना है प्रिंटिंग वाला। तो हमने सिंपल वही अपना मेटल जो है फर्स्ट ब्लॉक के अंदर डाला, हमने अपना डिज़ाइन इसके ऊपर रखा, साथ में अपने पास जो लेमिनेशन है वो हमने इसके ऊपर रखा और इधर पंच कर दिया और प्लास्टिक वाले एरिए को इधर ये लिखा हुआ है 58, ये वाला एरिया हमारा नीचे की तरफ जाएगा, मतलब हम बैज को ऐसे रखेंगे नीचे की तरफ, ये जो दो ब्लॉक्स बने हुए ये ऊपर की तरफ आएंगे। ये हमने रख दिया, मशीन मूव करा और पंच कर दिया। ठीक है, एक ही रेडी हो गया, मैं जल्दी से दो रेडी और कर लेता हूँ फिर एक बार आपको इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से आपको लगाना है। तो मैंने तीन रेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, ये मैंने टेप लगाई, डबल साइड टेप लगाई, ये मैंने छुटाया इसके ऊपर से और सिंपली अपने लाके से ऐसे स्टिक कर दिया। ठीक है, ये मूव नहीं हो रहा है, ये लग गया। अब सिंपली हम इसे इस तरीके से इसे लगा लेंगे पिन की हेल्प से, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है इधर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से, और बाकी दोनों को भी मैं लगा देता हूँ तो आइडिया रहेगा आपको।
यहाँ पर रेडी हो गया। फाइन, तो किचन्स भी हमारा कवर हो गया, ये कवर हो गया। अच्छा, हमारी एक चीज़ रह गई है, 75 mm वाला बैज मैंने आपको नहीं बना के दिखाया है। यार देखो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं करना। तो मैं इसके लिए देखो, यहाँ पे स्पेस था नहीं, तो मैं इसी मशीन के अंदर चेंज कर लेता हूँ, वरना मैं इसके लिए भी दूसरी सेपरेट मशीन ला करके रखता। तो मेरे पास स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैंने इसी मशीन का डाइंटर चेंज कर लेके हम सबसे पहले ये वाला ब्लॉक लगाएंगे। बैज मशीन ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो डाली हुई है, 2-3 वीडियोस डाली हुई है बैज मशीन की ऑलरेडी, तो किस तरीके से अलाइन करना है, किस तरीके से असेंबल करना है, उन्हीं वीडियोज़ के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा। मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ें आपके सामने हैं किस तरीके से करना है, मैंने आपको आइडिया लग जाएगा। तो सिंपल वही, हमने मेटल, बड़ा वाला मेटल हमारे पास में है, बड़ा वाला प्लास्टिक भी हमें लेना है इसके लिए, बड़ा वाला प्लास्टिक हमने लिया पिन के साथ में, साथ में इसकी लेमिनेशन फिल्म ली हमने, और ये लेमिनेशन आ गई हमारी। एक प्रिंटआउट मैंने इधर ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, तो मेटल लगाया, साथ में हमने अपना ये वाला डिज़ाइन लगाया, ये रखा, फर्स्ट पंच करा, प्लास्टिक लगा दिया इसके ऊपर, और इसे सेकेंड टाइम में पंच कर दिया। ये आपका बड़ा वाला बैज रेडी हो गया, ये है 75 mm। तो पूरा प्राइजेस रेडी कर दिया है, आपको आइटम्स के प्राइजेस चाहिए, डिटेल प्राइस चाहिए, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो और आपको पूरा प्राइजेस वगैरह शेयर कर देंगे। तो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इसके अंदर, मैंने आपको बैजेस का बता दिया है, रेक्टेंगुलर बैजेस भी मैंने आपको पंच करके बता दिया है। हाँ, हमने पंच करा था, रेक्टेंगुलर बैज पंच कर दिया था हमने। 32 mm वाला भी कवर कर दिया है, 55 mm वाला स्क्वायर बैज हमने सबसे पहले कवर कर लिया था किस तरीके से बनना है, और रोजेट बैजेस भी मैंने कवर कर दिए किस तरीके से आपको अलाइन करने हैं, क्या क्या चीज़ें उसके साथ में आपको मिलेंगी, किस तरीके से आपको चीज़ों को पंच करना है। तो गाइज, वीडियो को फिर एंड करते हैं, और बाकी बहुत चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, आप लोग समझ रहे हैं वीडियोस को, ऑर्डर्स भेज रहे हैं हम लोग इधर से, PI भेज रहे हैं, मटेरियल सारा ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास में जा रहा है, टाइमली डिलीवर हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं ये। और बाकी सारे फाइल्स, आई मीन सारे प्रोडक्ट्स के फाइल्स आपको मिल रही हैं, जो आइटम्स हम लोग बना रहे हैं, हर एक आइटम्स की फाइल्स आपको साथ में मिल रही हैं, डिज़ाइनिंग टेम्पलेट्स आपको साथ में मिल रही हैं, आपको डिज़ाइन साइज बनाने में दिक्कतें नहीं हो रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। और बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आपको अगर प्रोडक्ट की इंक्वायरी लेनी है या प्रोडक्ट बाय करना है, तो आप प्रीफर करो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना, आप कॉल नहीं करो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रेगुलर फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, रेगुलर मैसेजेस आते रहते हैं, सभी को रिप्लाई देना होता है, तो बेहतर रहेगा कि आप हमें मैसेजेस करें आपका नाम के साथ में, आपके शहर के साथ में, शहर के नाम के साथ में, साथ में आपका स्टेट नेम भी लिखेंगे आप, और साथ में आपकी रिक्वायरमेंट डालेंगे, तो डिटेल आपको जल्दी मिल जाएगी। आप पहले फ़ोन करते हैं, फिर आप बातें करेंगे, फिर मैं आपको बोलूँगा, या हम हमारी टीम आपको बोलेगी कि व्हाट्सएप पर मैसेज करो, तो सारा टाइम हम लोग बचा सकते हैं। आप सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम लोग डिटेल्स आपको इधर से भेज देंगे, बस आपको उसके अंदर आपका नाम, एड्रेस डिटेल, आपके शहर का नाम, आपके साथ में स्टेट का नाम, और साथ में आपकी रिक्वायरमेंट, तो डिटेल्स आपको एक बार में आपके सीधा व्हाट्सएप के ऊपर चली जाएंगी। तो गाइज, कुछ भी आपको और नया चाहिए या नया आपको आइटम्स के ऊपर वीडियो चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सारी चीज़ें वीडियोस डाल देंगे। और बाकी नेक्स्ट जो वीडियोस है हमारी, वो LED आइटम्स के ऊपर होने वाली है। हल्का सा मैं आपको छोटा सा व्यू दिखा देता हूँ, ये काफ़ी सरप्राइज है इन आइटम्स के अंदर, तो ये सारे आइटम्स अभी बताएंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाले हैं वो इसी के ऊपर कुछ रहेगी, पूरा प्रोसेस में है सारी चीज़ें। मैं एक बार लाइट अगर ऑफ करूँ तो आप देख पाएंगे एक बार, ये सारे आइटम्स हैं, ठीक है। तो अभी एक बार थोड़ा सा टाइम मिलता ही नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जल्दी इसके ऊपर, अपना LED वाले आइटम्स के ऊपर, काफ़ी सारे आइटम्स इसके अंदर लॉन्च करें, काफ़ी टाइम से लोगों की क्वेरीज आती है सर LED आइटम्स के अंदर काम करो। तो गाइज, करते हैं वीडियो को एंड, फिर आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि आइटम्स ज़्यादा थे हमारे पास में, तो सारे कवर करने थे, सारी चीज़ आपको बतानी थी। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, नमस्कार, शुक्रिया।